गुड मॉर्निंग। और हम लोग पहुंच गए हैं हावड़ा स्टेशन। अब हम लोग उतरने वाले हैं। हम लोग का पूरा हालत ख़राब हो गया है, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं एयरपोर्ट, क्योंकि हमारे वहां से फ्लाइट है डायरेक्ट गुवाहाटी के लिए। तो मिलते हैं हम लोग कुछ देर बाद। Really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. So finally, हम लोग एयरपोर्ट एंट्री कर चुके हैं। अभी हम लोग अपना बोर्डिंग पास लेने जा रहे हैं। Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, body circulation. Finally we got the boarding pass. Ab hum log dekhte hain aage, jana hai hum log ko. Thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different. So finally हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं और अभी तो टाइम नहीं हुआ। हमारे फ्लाइट का टाइम है 10:30 AM। उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है प्लेन में। तो पता नहीं क्या कैसा लगेगा जब फ्लाइट टेक ऑफ करेगा और जब लैंड करेगा। तो पता नहीं, अजीब सा मतलब एक्साइटमेंट भी हो रहा है और अजीब सा भी लग रहा है। तो देखते हैं, मिलते हैं हम लोग गुवाहाटी में। Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 गुवाहाटी पहुंच गए हैं। अब यहां से हम लोग चल रहे हैं शिलोंग। तो हम लोग देखते हैं कैसे जाना है। Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So, हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और अभी हम लोग ने टैक्सी बुक किया है शिलोंग के लिए। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे पुलिस बाज़ार, जो कि शिलोंग का मेन मार्केट है। और देखते हैं फिर आगे का प्लानिंग धीरे धीरे करके आपको पता चलते रहेगा। मैं अपडेट देते रहूँगी आपको। वेलकम टू शिलोंग। तो हम लोग शिलोंग वैसे पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां हमको जाना है अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंचे हैं। और हम लोग ये अभी फ़िलहाल रुके हैं यहाँ पर ढाबा में। तो क्या है कि हमारे ड्राइवर जी को भूख लगा है, तो वो अभी स्टॉप किए हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग भी चलते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे शिलोंग के पुलिस बाज़ार के लिए। Go, 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 go,
some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. सो अभी हम लोग अपने रूम आ गए हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि सुबह ही हम लोग गुवाहाटी लैंड किए, फिर उसके बाद गुवाहाटी से शिलोंग आए, फिर शिलोंग पे हम लोग शाम में पहुँचे, तो हम लोग ज़्यादा जगह घूम नहीं पाए, लेकिन हम लोग सिर्फ चर्च जा पाए। और क्योंकि आज संडे है तो आज मुझे चर्च जाना ही था। और यहाँ का एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो मुझे लगा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और मेघालय में 80-90% लोग क्रिश्चियंस हैं, तो यहाँ हर जगह आपको चर्च मिलेंगे। तो आज मुझे चर्च देखना था और जाना था, तो इसलिए हम लोग चर्च जाके आ गए। तो मैंने सोचा कि चलो रात भी हो गया, कुछ थोड़ा देर आपसे बातें कर लूँ, तो इसलिए आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने फ़्लाइट में आज फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा डर भी लग रहा था, थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे अचानक से कहीं कुछ प्लेन क्रैश ना हो जाए या कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब कुछ भी ऐसा बहुत डर लग रहा था। बट फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मुझे बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा धक 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 लग मतलब कर रहा था, मेरा दिल धक धक कर रहा था, और फिर से ऐसा लग रहा था कि मेरा कान भी सुन हो गया है। फिर मुझे बीच में ऐसा लग रहा था, चक्कर भी आ रहा था कि हाँ, मेरा बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, अच्छा भी लगा, फर्स्ट टाइम था। हाँ, टेक ऑफ के टाइम थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं झूला झूल रही हूँ, और जब लैंड कर रहा था तो ऐसा लगा कि झरझर झरझर पूरा जल्द अचानक से नीचे उतर गया। ठीक है, उस समय थोड़ा सा बहुत डर लग रहा था क्योंकि प्लेन ऐसे 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 सेक कर रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि हाँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट कोई नहीं, मैं अच्छे से पहुंच गई। और जब शिलोंग आए हम लोग, तो हमारे साथ बहुत ही अजीब हुआ। गुवाहाटी एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहाँ हम लोग ने टैक्सी बुक की। टैक्सी में भी ये हुआ कि पहले फर्स्ट टैक्सी, फिर वो से फिर हम लोग को सेकेंड टैक्सी में जाना पड़ा, फिर सेकेंड टैक्सी, थर्ड टैक्सी, ऐसे मतलब एयरपोर्ट के पास ही हम लोग टैक्सी बार बार चेंज हम लोग को करवाया जा रहा था। तो मैं इरिटेट भी हो रही थी कि यार एक टैक्सी में नहीं लेके जा रहे हैं, तो मैम यहाँ ये वाला टैक्सी नहीं जाएगा, दूसरे टैक्सी में बैठिए, फिर वो टैक्सी नहीं जाएगा, थर्ड टैक्सी में बैठिए। तो फिर मैंने फाइनली बोल ही दिया कि भैया ये वाला और कितना टैक्सी चेंज कराओगे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये पक्का जाएगी। तो मतलब पक्का जाएंगे तो हाँ ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग आ गए, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ का रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमारा झारखंड में तो हम लोग कहीं से भी गाड़ी कहीं से भी निकाल लेते हैं, बट यहाँ रूल्स बहुत ही अच्छे से फॉलो किया जाता है, ट्रैफिक रूल्स। और भीड़ है, ये शिलोंग टाउन में बहुत क्राउड है, और कहीं कल देखते हैं, कल हम लोग कहीं और एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसी के साथ मेरा डे टू यहीं पर ख़त्म होता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबको गुड नाइट।